के साथ
का मतलब लगा पूरा कर रहा हूं। सहाबा को अल्लाह के नबी ने सुबह को ख्वाब बताया तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये तो ख्वाब है, इस ख्वाब को अमली जामा पहना कर बिस्मिल्लाह करके काबतुल्लाह चलेंगे और वहां पर उम्रा अदा करेंगे। रास्ते में सहाबा को रोका गया, हुदैबिया के मकाम पर सुलह हो गई और इतनी कड़ी शर्तें मुसलमानों को जेर करने के लिए लगाई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें ये शर्तें मंजूर हैं। सहाबा को बाल बंटवा के जानवर ज़बह करने का हुक्म दिया, वापस आने का, अगले साल आएंगे उम्रा करेंगे। आप यहां से वापस जाने लगे मदीने की तरफ, उम्रे के लिए जा रहे तो उम्रा नहीं हुआ और बहुत कड़ी शर्तें मुसलमानों पर लगाई। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल करवाया। आप रास्ते में वापस मदीने की तरफ जा रहे, अल्लाह ने यह नाज़िल फरमाया इन्ना फतहना लक फतहा मुबीना, अलगरीब एक आजादी होने वाली है, एक फतह आने वाली है। अब सहाबा परेशान हो गए, ये कौन सी फतह है, हमें उमरा करने भी नहीं दिया गया, कुरान के तहत फतह है, हमारा रास्ता रोका गया, हम उमरा करने आए थे, लड़ाई करने नहीं आए, मक्का की मुशरिकी ने हमें रोका, हम वापस हो गए। अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन्ना फतह ना लगा फतह मुबीना, ये फतह हमने तुम्हें अता फरमाई, ये कैसी फतह है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अमर और अल्लाह का हुक्म ये हिकमत से खाली नहीं है। दो साल का अरसा नहीं गुजरा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का को फतह करके सहाबा के कदमों में, बाज़े सहाबा फरमाते हैं तुम लोग इन्ना फतहना लक फतहा मुबीना इससे फतह मक्का मुराद लेते हो, बाज़े सहाबा ने कहा हम इससे फतह मक्का मुराद नहीं लेते हैं, हम इससे सुलह हुदैबिया मुराद लेते हैं, सुलह हुदैबिया ये पेश खेमा हो गई, ये फतह मक्का की, यहां से रास्ते खुल गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी को 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर खाना काबा में दाखिल होते हैं, मक्के में दाखिल होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह के नबी की क्या हालत थी, वो भी एक फतह थी, वो भी एक जश्न था, वो भी एक खुशी थी, लेकिन खुशी का इजहार सहाबा ने अल्लाह के नबी ने किस तरह से किया, आप सीरत की किताबों का मुताला करके देख लें आपको पता चलता है। सहाबा ने सीटी बजाई नहीं, बाजे बजाए नहीं, यहां तो आपको पता है कि यह तो खुशी की बात है कि ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मुल्क अता किया, वो भी मुल्क इस्लामी मुल्क के नाम पर, अगर अगरचे बहुत सारे लोगों को इस्लामिया जमहूरी पाकिस्तान से तकलीफ होती है नाम सुनने से, लेकिन चूंकि बुनियाद तो इस मुल्क की इस मकसद के लिए रखी गई कि इस मुल्क का मकसद क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त ये नारा था। तो खुशी की बात है और इस आजादी की कदर उनसे जाकर पूछ लो जो अपने मुल्क में रहकर मुसलमान होकर वो गाय का गोश्त खाने के लिए तरसते हैं लेकिन वो गा नहीं सकते। आप अपने मुल्क के अंदर जितनी इस्लामी रसूमातें कर सकते हो, कोई आपको मना करने वाला नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमान हो सकता है तादाद में हमसे ज्यादा हो, आपको पता है कि वो गाय का गोश्त नहीं खा सकते, क्यों, इसलिए कि उस मुल्क के
गाय का गोश्त खाना, गाय की तौहीन करना, ज़बह करना उनके मजहब में जायज नहीं है, तौहीन है, तो लिहाजा मुसलमान कर नहीं सकते। हालांकि वो तादाद में मुझसे और आपसे ज्यादा है, लेकिन उनको ये आजादी नहीं मिली, ये आजादी उनको नहीं है, जिसकी वजह से वो आज परेशान है, पता नहीं कल का क्या हाल होगा, परसों का क्या। ये हमारे मुल्क में कुछ कमी पेशियां हैं, इस बात का इकरार सबको है, लेकिन जो आजाद रियासत और मुल्क आपको इस्लाम के नाम पे मिला है वो पूरे दुनिया में इसका नजीर नहीं मिलता है। आप पूरी दुनिया में जाकर देखें, ऐसे भी मुल्क हैं आपके पड़ोस में, कोई अगर मुसलमान लड़की भागकर किसी गैर मुस्लिम हिंदू सिख से निकाह करे, उनके कानून के मुताबिक दोनों को पूछने वाला कोई नहीं है। आपके मुल्क में कोई करके दिखाए ना, इस्लामी कानून नाफिज नहीं है, लेकिन इस्लामी गैरत है इस मुल्क में। यहाँ पे इक्का दुक्का कोई दीन बेजार होगा मुल्क में अंदर, मुल्क के अंदर इक्का दुक्का दीन बेजार लोग होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों में इस्लामी गैरत जिंदा है। कोई बंदा नमाज भी नहीं पढ़ता है, रोजा भी नहीं रखता है, आप उसके सामने माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे नबी को कुछ बुरा भला कहो तो देखो उसके उसकी ईमानी ताकत का मुजाहरा करो, फिर क्या असर करेगा। भले नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता है, लेकिन आप उसके सामने कुरान की तौहीन करके दिखाओ, मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूं, आप इस मुल्क में हमारे नबी की तौहीन करके दिखाओ, तुम्हारा क्या हाल होगा। बाहर मुल्क में नहीं कर सकते, वहां पे अल्लाह के नबी की गुस्ताखी होगी, अल्लाह की गुस्ताखी करेंगे, दीन की गुस्ताखी करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कहते हैं कि भाई छोड़ दो, ये आजादी राय का हक सबको हासिल है, बड़े इस्लाम के खिलाफ बोले, नबी के खिलाफ बोले, अल्लाह के खिलाफ बोले, हर एक की मर्जी जो चाहे कहे, बाहर मुल्क में ये हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपके मुल्क में इस तरह नहीं हो रहा है। इनफरादी तौर पर तीन दुश्मन लोग मौजूद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर खैर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में। मैंने आपको अभी कहा कि अल्लाह के नबी भी फतह लेकर आए मक्के में, लेकिन उस जश्न उस फतह की क्या सूरत हाल थी, क्या नौयत थी, वो आप हदीस पढ़ के सुने। हदीस बाद में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी आजिज़ी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोड़ी मुबारक ऊंट के पालन के साथ लग रही थी, आजिज़ी की वजह से। हमारे यहाँ अगर कोई दूसरे मुल्क को फतह करता है, सीना तान के चलता है, तलवार दिखाता है, असलहा दिखाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये तो वैसे जेर हो गए, ये वैसे ढेर हो गए, ये वैसे मगलूब हो गए, हम गालिब हो गए, अब अपनी ताकत क्यों दिखाएं। एक सहाबी ने कहा आज तो लड़ाई का दिन है, आज तो मारने डालने का दिन है, आज देखो मक्के वालों का हम क्या हशर करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जंग का दिन नहीं, ये रहमत का दिन है, ये किस चीज का दिन है, ये रहमत का दिन है। तो बहरहाल हमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क अदा किया है तो आप इसकी कदर करोगे तो इसमें बरकत आएगी। कुरान मजीद में यकीन जानो एक आयत का अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई, आप इसका नक्शा देखें, ये मुकम्मल आपके मुल्क पर यह फिट आती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ज़रब अल्लाहु मसलन क़रियतन, अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है, एक क़रिया की मिसाल देता है, बस्ती की मिसाल देता है, कानत आमन आमिनतन मुतमईनतन, वो बस्ती हर तरफ से उसमें अमन था, उसमें सुकून था, उसमें राहत थी,
या दिया रिज़्क रहमतन मिन कुल मकान, हर तरफ से रिज़्क आता था। फकफरत बिअनुमिल्लाह, अल्लाह ने तो तुम्हें इनाम करके दे दिया, लेकिन उस बस्ती वालों ने अल्लाह की नियामत का इनकार किया। फअज़ाकअल्लाहु लिबासल जुए, अल्लाह ने उनको भूखा कर दिया, और वल खौफ में, और खौफ में मुब्तला कर दिया। बेमा कानू यस्नून, उनके अमल की वजह से अल्लाह ने उनको एक ऐसा मुल्क अता किया, उस मुल्क में अमन था, सुकून था, राहत थी, लेकिन लोगों ने उस मुल्क की कदर नहीं की, उस बस्ती की कदर नहीं की, इनकार किया, उस मुल्क का इनकार किया, उस बस्ती की नाशुकुरी की, उस इनाम का इनाम की नाशुकुरी की। अल्लाह ने उस बस्ती वालों को भूख और खौफ में मुब्तला किया। एक जमाना ऐसा भी था कि आप लोगों को खाने पीने की अशा की फिक्र नहीं थी। अब लोग सुबह उठेंगे, उनको ईमान की फिक्र नहीं होगी, नमाज की फिक्र नहीं होगी, दीन की फिक्र नहीं होगी, ये फिक्र होगी कि दो वक्त की रोटी कहां से आएगी। एक ऐसा वक्त था कि जब लोग सोचते थे कल मैं नींद से उठूंगा, कोई ऐसी हालत नहीं आएगी जो मेरे ईमान के लिए खलल पैदा हो, कल ऐसा कोई माहौल नहीं बनेगा जो मेरे ईमान के लिए मुतज़लज़ल हो, मेरे ईमान को बिगाड़ने का जरिया न बने। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, पूरी रात सोच रहे हैं कि कल दो वक्त की रोटी हासिल करने के लिए हलाल कमाओ, हराम कमाओ, कहां से कमाओ, कहां से कमाओ, कमाओ। ये हमारी सोच है। हदीस पाक में आता है, जिस इंसान की हर वक्त सोच ये हो कि मेरा पेट भरे, मेरा पेट भरे, मेरा पेट भरे, तो एक मन कान हम्मुहु कत्लुहु फाउला दफनुहु। जिस आदमी की हर वक्त सोच ये हो कि मेरा पेट, मेरा पेट, मेरा पेट, दिन को भी कमा रहे पेट के लिए, रात को भी कमा रहे पेट के लिए, बच्चे भी कमा रहे पेट के लिए, बीवी भी कमा रही पेट के लिए। पुराने जमाने में तो ऐसा ही नहीं था, घर में एक कमाता था सारे खाते थे। अभी बच्चा भी काम कर रहा है, बालिग बच्चा भी काम कर रहा है, नाबालिग बच्चा भी काम कर रहा है, बालिग बेटी भी काम कर रही है, नाबालिग बेटी भी काम कर रही, खुद भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रहा है, तब भी दो वक्त की रोटी सुकून से खाने की उनको नौबत नहीं आती। क्यों? इसलिए कि जिस अल्लाह की नियामत का हमने इनकार किया, ना शुक्री की, अल्लाह ने हमें भूख में मुब्तला कर दिया, खौफ में मुब्तला कर दिया। और फिर सिर्फ दिन को नहीं कमाते, दिन को भी कमा रहे, रात को भी कमा रहे। आपने परिंदों को भी जगाना, सुबह निकलते असर को अपने घोंसले की तरफ आते, रात को कोई किसी मखलूक में रात को कमाने का रिवाज नहीं है, किसी भी मखलूक में रात को कमाने का रिवाज नहीं है। हालांकि ऐसे भी जानवर हैं जिनके पेट इंसानों के पेट से बड़ा हुआ है, उनको इंसानों से ज्यादा खुराक की जरूरत होती है, लेकिन वो भी सिर्फ दिन को रोटी की तलाश में होते हैं, दिन को गिज़ा की तलाश में होते हैं, वो रात को तलाश नहीं करते। हम दिन को भी कमा रहे हैं, रात को भी कमा रहे हैं, फिर भी परेशानी है कि नहीं, बेसुकूनी है कि नहीं, क्यों? अब वजह क्या है, वजह क्या है कि दीन से बहुत दूरी है। अब लोग आकर कहते हैं कि बरकत की ताबीज दे दो, मौलवी साहब कारोबार में बरकत नहीं है, पर ऐसा कोई ताबीज दे दो कि घर में बरकत आ जाए। कोई बरकत देने वाली साहब किसकी है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली जात वो है जिसके बाद जिसके हाथ में बादशाहत है, उससे बरकत ले लो। जब फिर आते किसने में भाई आप नमाज के बाद आ जाओ, इंशाल्लाह सर में दर्द है, पेट में दर्द है, हम करेंगे आपको, आपके लिए बरकत की दुआ करेंगे। अब वो बाहर घूम रहे हैं, इधर जा रहे, अभी नमाज खत्म हो गई, इधर आ रहे, नमाज खत्म हो गई, यानी नमाज जल्दी खत्म हो जाए मैं मौलवी साहब से आकर बरकत हासिल कर लूं। वो खुद बरकत के तलब के लिए अल्लाह के हाँ गिड़गिड़ा रहे, रो रहा है,
अल्लाह मुझे बरकत दे दो, अल्लाह मुझे बरकत दे दो, वो जिस दर का सवाली बन के आए हैं आप उससे बरकत की दुआ मांगते हो, आप उससे बरकत मांगते हो, आज अल्लाह उसके साथ सजदे में लगो ताकि तुम दोनों अल्लाह से बरकत हासिल करो। एक रिवायत के अंदर आता है, एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मुझे क़यामत के दिन आपकी रफाकत चाहिए, आपकी दोस्ती चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरा दिल चाहता है क़यामत में आपकी रफाकत इख्तियार करो, आपकी मोहब्बत इख्तियार करो, आपका साथ मुझे चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसमें कुछ आपको भी जद्दोजहद करना पड़ेगा, मैं आपके लिए दुआ तो करूंगा लेकिन कसरत से सजदा करो, आधा काम तुम्हारा होगा आधा काम मेरा होगा, इंशाल्लाह मेरी रफाकत तुम्हें नसीब हो जाएगी। ऐसे तो हमारे नबी ने भी दावा नहीं किया। तुम अगर अपने मौलवी से मौलवी साहब बरकत की दुआ करो, नमाज पढ़ते नहीं हो, कल दूर दराज से तीन खवातीन आई, बहुत परेशान बेहद परेशान, बहुत दूर दराज से आई, तो उन्होंने कहा कि ये मसला यानी आधे घंटे तक अपनी परेशानी बताई। मैंने कहा दुनिया की सारी मुसीबतें, मैंने सिर्फ एक सवाल किया कि आप क्यों नमाज पढ़ती हो, एक माँ हो बेटियाँ हैं आप नमाज पढ़ती हो, उसका रवैया है ना उनके सामने वो मैं आपको तुम्हारा नमाज पढ़ती हो ऐसी मेरी बात की थी कोई मैंने उसको उसमें बुरी बात की थी बराबर में दूसरी खान पर बैठ गई। उसने कहा कि अगर हम दो दिन नमाज पढ़े, इसके अल्फाज है अगर हम दो दिन भी नमाज पढ़े तो तीसरे दिन में हमारे घर में जरूर कुछ होने वाला है, अगर हम दो दिन नमाज पढ़े तो तीसरे दिन हमारे घर में गड़बड़ शुरू होगी। वो एक किस्सा मशहूर है ना कि एक बंदा कभी नमाज नहीं पढ़ता था, उसके पास माल असबाब बहुत ज्यादा आते थे, उसने नमाज पढ़ना शुरू किया बकरी मर गई, दूसरे दिन बकरा मर गया, गाय मर गई, मरते जा रहे अभी बकरी का छोटा सा बच्चा रह गया। अब उसने भी आवाज लगाना शुरू कर दिया, बकरी के बच्चे आवाज करते आवाज लगाना शुरू किया तो उसको गुस्सा आया, उसने कहा लोटा लेकर आओ दो रकात नफल पढ़ो, तुम तो दो रकात की मांग, बाकी तो फर्जों में नफलों में वाजिबों में चले गए, तुम तो दो रकात की मारो, छोटे से हो ना दो रकात पढ़ो तो तुम भी चले जाओ। तो वारा ये रवैया है कि हम नमाज पढ़े तो फिर हमारे घर में ये मुसीबतें आनी शुरू होगी, तो अब तो आप नमाज नहीं पढ़े तो तब भी तो मुसीबत में हो, अब तो आप नमाज नहीं पढ़ रही हो तो तब भी मुसीबत में हो, इससे बेहतर है कि नमाज पढ़ो और मुसीबत आ जाए तो इस नमाज में अगर मर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मगफिरत फरमाएंगे। और याद रखें आपने फजाइल बाकी बड़ी किताबों का हवाला नहीं, आपने फजाइल आमाल में सुना होगा पढ़ा होगा, जो बंदा नमाज छोड़ देता है अल्लाह उसको 15 तरीकों से अजाब देता है, पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने, जो बंदा नमाज छोड़ देता है अल्लाह 15 तरीकों से उसको अजाब देता है, एक अजाब ये है अल्लाह उसकी जिंदगी तंग कर देता है, अल्लाह उसकी जिंदगी तंग कर देता है, कुरान से दूरी है ना, कुरान क्या कहता है मन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे कुरान से एराज करेगा फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी रोजी को तंग करेंगे, जिंदगी को तंग करेंगे, इसकी मईशत को जाम करेंगे। तो कुरान कहते नहीं कहते, लेकिन हम मजा लेके कुरान को अपनी जिंदगी में लेकर आए, ताबीज पहनते हैं लेकिन अकीदा क्या है कुरान शिफा है, लेकिन यह समझ रखा है कि सिर्फ पानी में डालकर पियो शिफा है, भाई देखो इसके अंदर आपका अकीदा खराब है उस ये भी बीमारी है इसके लिए भी शिफा है, कभी देखा कुरान मजीद में इस बीमारी का हल देखा है, कुरान मजीद शिफा है, बद अखलाकी है माँ बाप के साथ बद अखलाकी है कुरान इस ये बीमारी है, कुरान इस बीमारी का शिफा है, तो कभी सोचा है कि माँ बाप के साथ माशरे के साथ औलाद के साथ पड़ोसी के साथ बीवी के साथ किस तरीके से पेश आना है कभी सोचा है,
बस एक ही चीज, एक तो सबसे बड़ा कसूर ये हमारे जो मजहबी रहनुमा ही नहीं कर रहे, हमारे ये लोग हमारे पास आते हैं, ये लोग हमारे पास आते हैं, ये मौलवी साहब मुसीबत है, ये परेशानी परेशानी, तो नहीं आप ऐसा करो 5000 रुपए जाफरान के दे दो, हम ताबीज लिखेंगे, वो सारी बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। वो पूछ लो इससे, आप उससे पूछ लो कि आप अपने घर के अंदर किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो, या इसी तरह घर में जो है ना आपस में क्या ताल्लुकात हैं। यकीन जानो आप देखिए हदीस बाद में, मैं आपको हदीस बता रहा हूँ, इस पर आज हमारे मुसलमान 90% से ज्यादा इस हदीस पर अमल न करने की वजह से आज हमारे मुसलमान परेशान है। लेकिन मैं गारंटी से आपको कहता हूँ, गारंटी से आपको कहता हूँ, बल्कि मैंने मस्जिद में लोगों को कहा है कि आपकी तंगी का सबब ये है, आप इसका इजाला करें, आप मेरे पास 15 दिन के बाद आ जाएं, आपकी रोजी के अंदर बरकत ना हो, जो चोर की सजा होगी आप मुझे वो सजा दे दें। लेकिन यकीन जानो वो उस काम को करने पर आज तक भी राजी नहीं। क्यों? इंसान के दिल के अंदर शैतान भरा हुआ है, नफस का घमंड है, वो कैसे कुरान सुन्नत की बात मान लेता है। वो एक हदीस में आपको बताता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ये चाहता है उसकी उम्र में बरकत हो, उसकी उम्र दराज हो, और उसके रिज़्क में भी बरकत हो। खूब समझो इस हदीस को, जो ये चाहता है उसकी उम्र लंबी हो, बरकत वाली हो, नंबर दो उसके रिज़्क में बरकत हो, वो एक काम करे बस। अभी भी मैं आपको कहता हूं ये काम करो, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं। मैं मस्जिद के अंदर बैठकर कहता हूं कोई करने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल आसान काम है, लेकिन थोड़ा आपका सर ऐसा है ना, इसको थोड़ा सा झुकाना पड़ता है, बस इतना काम है। काम भी इतना मुश्किल नहीं है, जो ये जाति आप दिखा रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा ऐसा करो, आपका काम हो गया, बस इतना सा काम है। यहां से भी रिज़्क की बारिश होगी, यहां से भी रिज़्क की बारिश होगी, इधर से भी रिज़्क की बारिश होगी, यहां से भी रिज़्क की बारिश होगी। लेकिन मैं वादे बताता हूं कोई करने के लिए तैयार नहीं। जो बंदा चाहता है मेरी उम्र में इजाफा हो, बरकत, उम्र में इजाफा का मतलब बरकत आ जाए, उम्र का ये मतलब नहीं कि 60 साल आपकी उम्र है, आप ये काम करोगे तो आपकी उम्र 80 साल होगी, नहीं, उम्र तो 60 साल होगी, लेकिन इस 60 साल में अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे, 60 साल में आप वो काम करेंगे जो एक बंदा 100 साल में नहीं कर सकेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अल्लाह आपसे दीनी काम ले लेगा। जो ये चाहता है कि अल्लाह मेरी उम्र में दराज फरमाए, बरकत अता फरमाए, और अल्लाह मेरे रिज़्क में इजाफा फरमाए, एक काम करे, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी फरमा रहे, अल्लाह के नबी की बातें 100% नहीं बल्कि 200% नहीं, जितने फीसद मेरे और आपके दिलों ख्याल में आता है अल्लाह के नबी की बातों से बढ़कर सच्ची। वो क्या काम है? वो काम भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिला रहमी करो, अल्लाह रिज़्क की बारिश अता फरमाएगी। अब सिला रहमी क्या है, आप समझते हो सिला रहमी? या 30 या 50 बंदे होंगे एक दूसरे से नाराज है, दूर के रिश्तेदार नहीं, भाई भाई, बाप बेटा, बाप बेटा, और इसी तरह भाई भाई, माँ, इसी तरह के रिश्ते, गरीबी रिश्तेदार, कजन आपस में। आप इनसे ये कहें कि अभी जुम्मे की नमाज के बाद आप दो भाई नाराज हो, ये कता ताल्लुकी है, आप दोनों नाराजगी खत्म करो, मेरे आपको थोड़ा सा इधर झुक जाओ, बस काम ये, इतना काम है। जो हमारा सीना जो है ना अपने भाई के लिए छोड़ा है, थोड़ा सा अपने आप को झुकाओ, बस इतनी सी बात है। कहो जुम्मे की नमाज के बाद जो नाराजगी और बुग़्ज़ मेरे और आपके दिल में भाई के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो,
और बोलो आज के बाद मेरी और आपकी अल्लाह के नाम पर दोस्ती है, कोई करने के लिए तैयार नहीं। मुझे पता है बहुत सारे लोग नाराज हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन राजी होने के लिए तैयार नहीं है। यकीन जानो इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क का दरवाजा बंद कर दिया है। इसकी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया रिज़्क का दरवाजा बंद होगा, बंद होगा, भीख मांगने पर मजबूर है। यही कह रहा हूं ना, मर्द भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, औरत भी काम कर रही है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महीना खत्म नहीं होता, पैसे खत्म हो जाते हैं, बरकत नहीं। बरकत कहां से आएगी? शरीयत ने बरकत का जो दरवाजा बता दिया है, आपने उस दरवाजे को ताला लगा दिया है। ये आज अपना गुरूर तोड़ दो, जिस भाई से नाराज हो, जिस रिश्तेदार से आप नाराज हो, आप उसको ये कहो कि आज मुझे माफ करो, मैं आपको माफ करता हूं। हमारे यहां क्या होता है, ईद के दिन में 10-10 बंदूक को एक साथ बगल में ले लो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, आप माफ करो, आप माफ करो। भाई ऐसे थोड़ी आप माफ होता है, आप कैसे माफ करो? आपने पूरे जिंदगी किसी का जमीन कब्जा किया, कसर किया, चोरी किया, डकैती की, अभी हम ऐसे माफ होंगे? नहीं, अल्लाह से माफी मांग लो, वो चीज भी लुटाओ, जो चीज तुमने गसब की है, चोरी की है, डकैती की है ना, वो माल वापस कर दो, तब जाकर अल्लाह के सामने तौबा करो, तब आपकी तौबा कबूल होगी। ऐसा नहीं कि अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, यहाँ आजकल तौबा करने का रिवाज है, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, इससे तौबा माफ नहीं। तौबा के लिए पहली शर्त है कि जो जिस चीज पर आप तौबा कर रहे हो, जिस जुर्म पर तौबा कर, जाओ उस बंदे से माफी मांग लो। मैंने कहा सिला रहमी ये है, आप सिला रहमी आज से शुरू कर दें। लेकिन घरों में सिला रहमी क्या, सिला रहमी तो मियां बीवी में भी नहीं है। यहाँ पे तो बाप मर्द अपने आप को ताकतवर वो कहता है जो बीवी पर गालीबाज है, शर्म करो, बेहया हो, बेशर्म, बीवी पर अपना ताकत चलाता, अपनी जोर चलाता, ये कहता मैं बादशाह हूं, जाओ कश्मीर में लड़ो, काफिरों के साथ लड़ो, उधर हमारी माए और बहनों के साथ हिंदू किस तरह का रवैया कर रहे हैं, बीवी को गाली देना, बीवी को मारना पीटना, और ये अपने आप को बहादुर मुजाहिद समझता है। मुजाहिद के लिए ना जाओ कश्मीर में जिहाद करो, जाओ बर्मा में जिहाद करो, फलस्तीन में जिहाद करो। मर्दानगी इसको कहते हैं, मर्दानगी ये नहीं कि जो बीवी वैसे तुम्हारे ताबे है, उसको उस पर फतह करके तुम कौन सा फाते बनना चाहते हो। तो जो बंदा अपनी बीवी पर भी जुलम करे, बीवी पर भी कत ताल्लुकी करे, माँ के साथ करे, बहन के साथ करे, औलाद के साथ करे, बाप के साथ करे, याद रखो उसकी रोजी भी तंग होगी, खत्म होगी, बेबरकत होगी। ये तो मैं हर जुमे को बयान करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे भी अपराध देखे, एक बंदा नाराज होता है, यहाँ पे पहली सब में दाएं तरफ खड़ा होता है, बाद वाला बंदा चूंकि इससे नाराज है, इसके पास खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं है, गढ़ अल्लाह का है, गढ़ अल्लाह का है, लेकिन इसके पास क्यों खड़ा नहीं होता, इसलिए कि मेरे से नाराजगी है। यहाँ पे आकर मेरे और आपका दिल साफ नहीं होता, तो फिर बाहर मेरा और आपका दिल साफ होता है क्या? आप किसी बात पर अमल ना करो, कोशिश करो आज मस्जिद में निकलने से पहले ये अपने दिल के अंदर ये बीमारी निकाल दो, ये बीमारी निकाल दो, आप आज निकाल दो, एक हफ्ते तक आपकी रोजी ना है, मेरे सर पे अगले जुम्मे आप जूते मार दो। रोजी के लिए कितने परेशान है आपको पता है? अभी जो लोग रोजी जिस तरीके से कमा रहे, देवर किस तरीके से कमा रहे, हमारी बात कहां से निकली, कहां तक चलेगी? तो ये आज हम जश्न मना रहे, क्या मना रहे हैं? जश्न मना रहे हैं। तो खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लामी मुल्क अता फरमाया, अल्लाह उसकी बरकत अता फरमाए, अल्लाह हमें वो दिन दिखाए जिस नाम पर ये मुल्क बना है, अल्लाह उस मुल्क में उस चीज की बहार नाजिल फरमाए। वो क्या है? वो ये किताब है, आप पाकिस्तान का कानून पढ़ो, उसमें पहली शिक दूसरी शिक क्या है कि मुल्क में ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं होगा जो कुरान सुन्नत के खिलाफ हो। ये हमारे कानून की पहली और दूसरी शिक में ये बातें हैं कि इस मुल्क में ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं करने देंगे जो कुरान सुन्नत और ला इलाहा इल्लल्लाह के मुखालिफ हो।
अगरचे कुछ लामियां हैं जो इस चीज के लिए रुकावट है, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा ये बहारें आएगी मुल्क के अंदर, इंशाल्लाह लाखों की कुर्बानियां हैं। तो बहरहाल लेकिन ये कि हमारी कौम ये कि बस सीटी बजाओ पतंग उड़ाओ ये करो गलतियां ले लो बस हम आजादी बना रहे। अब आपको पता नहीं आज के दिन भी क्या हुआ, मैं पूछो जो दाली में अब तक लोग नहीं गुजरे गुजरे लोग से पूछो भी आज का दिन 14 अगस्त को क्या हो गया, तो यही हो गया कि 14 अगस्त में बड़े बड़े बाजे लेकर बजाते हो क्या, यही तो हो रहा है। अच्छा मेरे अभी देखो कितना बाजा बजाया जा रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, बाप को तो बाजे लेकर अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन ऐसे भी मदरसे में बच्चे हैं जिनके हाथ में भी बाजा देख रहा हूँ, महीने से इनके पास कायदे नहीं, नूरा नहीं कायदे नहीं, महीने से इनके पास नूरा नहीं कायदे नहीं, नूरा नहीं कायदे की भी 10 रुपये, लेकिन दीन की क्या अहमियत हमारे दिल के अंदर है, हमने दीन के साथ ऐसा रवैया किया तो हमारे साथ भी वैसा रवैया हो रहा है, इतना इतना बड़ा बड़ा बाजा ले दिया, बाजे की 10 रुपये नहीं होगी 50-100 रुपये तो होगी, वो लेकर दिया और इसे आपके मदरसे में कायदा तो होगा ना, हाँ वहां से उनको नंगा पहनकर उनको कपड़े भी दे देंगे, दीन की फिक्र ही नहीं। अच्छा एक बंदा मुझे कह रहा है कि फलां जगह में नेट में बात चली, फलां जगह में एक मौलवी साहब तकरीर कर रहा था, इतना जोर से तकरीर कर रहा था, स्पीकर की आवाज से बाहर एक बंदा आटे को मर गया, तो उसका जुर्माना किस पर मौलवी साहब ने, अभी भाजा बजा कोई बेईमान क्यों नहीं मरता है, अभी इनको मरना चाहिए ना, तो मौलवी की तकरीर पर ही मरते हैं। फलां जगह में एक मौलवी तकरीर कर रहा था, स्पीकर की इतनी बड़ी आवाज थी, वो बीमार मर गया, स्पीकर ने मौलवी की तकरीर उसको मार दिया। अभी जो बाजे को बज रहे हैं वो नहीं मरते, देखो ये तो वाकई ऐसा ही है, देखा है मैंने आपको बता दिया, मुफ्ती अनवर साहब की मदरसे में कुट्टी औरत आ गई, मौलवी साहब बच्चों को आहिस्ता आवाज की तलावत करो या हम डिस्टर्ब हो रहे नीचे बच्चे नहीं सुन रहे, और उस गली में रोजाना 24 घंटा गाने की आवाज है, म्यूजिक की आवाज है, कभी इस बात को कुत्ती बोलकर जाने की तौफीक नहीं, मामूली तेज आवाज में तिलावत हो गई, बच्चों को आहिस्ता आवाज में तिलावत करो, बच्चों की नींद खराब हो रही है। मक्का की मुशरिकी ने कहा वो भी आजादी ना बकर हमारे कानों में बोझ ने डांट दे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात हम कहां सुन सकते हैं, बोझ है इसके अंदर, दिल में पर्दा लगा हुआ है, हम आपकी बात इधर असर थोड़ी नहीं, बाजे बजरे आजादी मना रहे और ये देते हैं। और मैंने आपको उस सीजन में बता दिया, अभी भी सीजन आने वाला है, इस पर मैं उस तक में बयान करूंगा आपके सामने, अभी अपना जो हशर देख रहे हो ना, अल्लाह से तौबा करो और अपनी गलती का तदारुक करो, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, कुरान कहता है इन्नल मुबज्जिलीना कानू इख्वान शयातीन, जो जिस सीजन में एक दिन में 50-50 हजार रुपए एक बंदा कमाता था, 70,000-60,000 एक दिन में जाता था मच्छी में कमाता था, तो सीजन न होने के महीने 2-3 महीने एक बंदा एक दिन में 60-70 हजार कमाए तो वो 10 साल तक मेरे ख्याल से सीजन बंद हो जाए तब को उसको मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 महीने में ये हालत होती है कि डब्बा चुनते हैं, खाली बोतलें चुनते हैं, कोई बोतल पी रहे उसके पीछे भागते कम बोतल है। ये मैं झूठ बोला ऐसा है कि नहीं, दीवार पे मामूली सरिया सरिया निकला हुआ है, रात का भी इंतजार नहीं होता, दिन को ऐसा करते ताकि ये निकल जाए। भाई आपको उस वक्त कहा था ना कि देखो कुरान मजीद में क्या है, आप जकात के जकात आप पर वाजिब है, जकात कितनी आपको देनी पड़ेगी, 100 में 250 रुपए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि 100 में 50 मुझे दे दो 50, तो जो अल्लाह भी इतना नहीं मानता तो आप करते क्या है, छोटे छोटे मासूम बच्चों का सेहत खराब करने के लिए MP3 पता नहीं क्या क्या पुराने डिश फेंक दो, नए डिश लगा दो, भी सीजन आ गया, बच्चे का सीजन आ गया, नए डिश, नए मोबाइल, नए डिश एंटीना,
नहीं पता नहीं क्या क्या बच्चों को लेकर दे दिया। अब जब सीजन खत्म हो गया घर के बर्तन बेच रहे, तो क्यों ये अल्लाह की नियामत की नाशुकुरी की, तो इस तरह हो गया। तो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है उसी तरीके पे चलो। कहां है वो तुम्हारे बेहतरीन कीमती कीमती अशिया तुमने मेरे कहा है? वो तो अल्लाह भी यही कहता है कि पूरा माल मुझे ना दो, मुझे 125 रुपए दे दो। ऐसी फजूल चीजों में आप पैसे जाया करोगे तो आप अभी क्या हालत हो गई, घरों में ना जान गया, तलाक वाक्या हो गई, खाना न मिलने की वजह से तलाक वाक्या हो रही है। औरतें अपने माँ बाप के घर में जा रहे हैं कि शोर के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। भाई पहले आपको बता दिया ना घर में कुछ रखो। देखिए हमने हदीस में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, अल्लाह के नबी के घर में 3 दिन तक रोटी नहीं थी, खाना नहीं पका। लेकिन एक दौर ऐसा जब फतुहात आ गए तो अल्लाह के नबी ने अपनी घर वालियों को 1 साल का राशन पहले घर में अदा कर दिया, दे दिया। एक एक साल का राशन अल्लाह के नबी ने पहले अपने बीवी बच्चों को दे दिया। अब इस तरह कर लो फजूल कर दिए, सब जो कुछ हो रहा है ना आजादी के नाम पर हो रहा है, किसी भी नाम पर हो रहा है, अगर ये फजूल खर्ची है तो फिर फजूल खर्ची की सजा तो हमें मिल रही है और मिलेगी। लेकिन इतना खर्चा हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूं इतना खर्चा हो रहा है। सही है, अभी किसी को गरीब की मदद याद नहीं आ रही है ना। अब आज की रात में पता नहीं क्या से क्या लोग अयाशिया करेंगे, शराब पिएंगे और क्या करें, इस्लामी मुल्क का जश्न मना रहे, क्या से क्या करेंगे। अब जब कुर्बानी की बात आ रही है तो यार ये तुम पैसा क्यों कुर्बानी में जाया करोगे, गरीबों की खिदमत करो। आज उनके मुंह में ताला लगा हुआ है, आज रात को जो लोग शराब कबाब की नशा में मस्त होंगे इस मुल्क के जश्न की आजादी के नाम पर क्या से क्या करेंगे, उस पर लोगों के मुंह में ताला लगा हुआ है। अगर आप हज के लिए जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, यार हज में जाने से बेहतर है कि गरीबों को दे दो। ये लाभी है मुल्क में इंशाल्लाह खत्म होने वाली, इस लाभी को ये लाभी खत्म होने वाली इंशाल्लाह मुल्क में, इनका नाम निशान भी नहीं होगा मुल्क में। किनका नाम होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों का नाम वो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह है। ये जो कलील मकदार में लोग बकबक करते हैं और इनकी बकबक का कोई इतबार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमारे मुल्क में सही मानों में अमन कायम करे, कुरान सुन्नत की बहारें हमें दिखाए अल्लाह तबारक। वरना ये हम वही करेंगे ना हमारे शहदा के खून से फिर गद्दारी होगी कि हमें पता नहीं कि हमारे बड़ों ने कुर्बानी किस लिए दी, इस्लाम के नाम पर दी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में वो बहारें कुरान सुन्नत के हमारे मुल्क में नाज़िल करे और हमारे मुल्क के खिलाफ तो साजिश कर रहे अंदरूनी बेरोजगार से हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी साजिशों को नाकाम और नामुराद बने। और आखिर में ऐलान साथियों ने मुझे बता दिया कि हमारे बोर्ड में यहाँ पे बंदा है तो 5 वक्त माशाल्लाह नमाज भी पढ़ता था, अब उसकी तबीयत बेहद खराब है, गालिबन उसको अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस वक्त जो आपकी माइग्रेन की हालत है वो किस तरीके से, यकीन जानो एक रोटी के लिए तरसते हैं इस वक्त। ये जो है ना, ये हमारे मच्छी वाले जो पट्टी है एक रोटी के लिए तरसते हैं। मैं बाहर के बंदे अगर है तो खुदा रहा, जब भी आप अपने जका सदका देते हो ना तो इन गोट वालों को खुसूस तौर पर इनका ख्याल किया जाए। ये पूरा सीजन एक ऐसा गुजर गया, अब ये अपने घरों के बर्तन बेचने के लिए मिलते हैं, बल्कि बेचा है बहुत सारे लोगों ने पक्के तक बेचे। लिहाजा में शहर वाले लोगों से जो साहिब इस्तेताद हैं, जब भी आप जकात खैरात सदकात निकालते हो तो इन गोट वालों को खुसूसी तौर पर ख्याल करते हैं। बहरहाल जो मजीद नाम है इसका मजीद नाम है, वो बेचारे की तबीयत बेहद खराब है। तो पहले तो हम ये कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तआला उसको शिफाए कामिला अजल नसीब फरमाए, और दूसरी बात ये कि कुछ दो साथी बैठ जाएंगे आप कुछ ना कुछ जो आप लोगों से हो सके उसके साथ दावा करें, और हो सकता है कि आज मगरिब को या ज़ोर को असर के बाद इंशाल्लाह साथी उसके इलाज के लिए बंदोबस्त करेंगे। तमाम साथी कोशिश करें जितना आप लोगों से हो सके आप अपने एरिए में जाओ, अपने गरीबों को भी पूछ लो। इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह कमजोरों की वजह से तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता है, कमजोरों के बंदा कमजोर है आपने उसको दे दिया आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुल गए। एक जानवर है वो कमजोर है आपने उसको दे दिया अल्लाह ने आपके लिए रिज़्क़ का दरवाजा खोल दिया। आपके माँ बाप बूढ़े हैं
वो कमजोर है, आपने उनको दे दिया, अल्लाह ने आपके लिए रिज़्क़ का दरवाजा खोल दिया। हम मुसलमान हैं, लोग गैर मुस्लिमों की तारीफ भी करते हैं, फलाने उनका मुल्क सुथरा है, अमेरिका में जाओ, लंदन में जाओ, उनका मुल्क साफ सुथरा है, वो इतने कानून की ख्यालदारी करते हैं। भाई कानून की ख्यालदारी करते हैं, 60-70 साल के बाद अपने माँ बाप को जाकर किसी डब्बे में डाल देते हैं, ओल्ड हाउस में डाल देते हैं, और हम मुसलमान 60-70 साल में इस वक्त अपने माँ बाप की खिदमत हासिल करके जन्नत कमाने का जरिया समझते हैं। लाख हम मुसलमान खराब हो जाए, लेकिन हमारे कुछ अमल ऐसे हैं जो किसी गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर ये चीज है नहीं। वो कहते हैं कि भाई अभी 40-50 साल के बाद माँ बाप घर में रहने के काबिल नहीं, हम खांसते हैं तो अब इनके खांसने की वजह से बच्चों की नींद खराब हो जाएगी, जाओ इसको किसी डब्बे में डाल दो, ओल्ड हाउस में डाल दो। हम ऐसा करेंगे नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे राल टपक रहा है, धूप और नाक की रेजिश टपक रही है, इस वक्त हम इसको साफ करके यकीन जन्नत का मुस्तहिक बनने के लिए तैयार है, करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हम सही मामले में कुरान सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए।